ही होगा। भाई साहब पीछे आ गए आप लोग। अरे ऊपर सेंटर में आवाज़ है। अरे यहाँ पे शारी में आपे शारी शारी में आपे यहाँ पे आपे सेंटर।
आपकी डेब्यूट फिल्म में आपके कैरेक्टर को लेकर काफी यू नो बातें चल रही हैं, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका कैरेक्टर, तो प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मेरा कैरेक्टर तो इंटरेस्टिंग है, फिल्म भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सबके कैरेक्टर्स, ये पांच कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है फिल्म। रोमांटिक कॉमेडी विद अ ट्विस्ट है। अच्छा, कैन आई टॉक इन हिंदी? तो रोमांटिक कॉमेडी विद अ ट्विस्ट है, एंड यूजुअली आप देखते हैं कि यू नो रोमांटिक कॉमेडीज में एक लड़का और लड़की मिलते हैं, आज जाके एंड में भी वही मिलते हैं, तो यहाँ पे इट्स वेरी रिलेटेबल, बहुत नेचुरल है। अगर एक स्टोरी वर्कआउट नहीं हो रही तो कैसे उन दोनों इंडिविजुअल्स की अलग अलग स्टोरीज वर्कआउट होती है लाइफ में, है ना? जैसे आपके भी अफेयर चलते हैं तो उसके बाद ब्रेकअप होकर भी दूसरा अफेयर भी शुरू होता है ना, बस ऐसे ही कुछ है। एंड बहुत मस्ती की हमने, बहुत मज़ा आया। मेरा कैरेक्टर बहुत ही एक रोमांटिक गाय का, इट्स अ ड्रीम कैरेक्टर, बहुत ही प्योर, बहुत ही सिंपल सा। मुझे तो लग रहा है लड़कियां मुझे घर उठा के ले जाएंगी एक्चुअली, ये सब मेरे को एक्टर्स बोलते हैं फिल्म के बाद। एंड पेरेंट्स से मिलाने और कोई आइडियाज में कीजिए। एंड या और पूछे, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, और ये फोटोशूट हो रहा है यहाँ पे? जी, फोटोशूट एक्चुअली सबको अलग अलग अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, एंड सबकी अलग अलग एक लुक बनाई है। एंड अमित हू इज़ अ फोटोग्राफर, हू इज़ अ सुपर फोटोग्राफर, हमारे जो डायरेक्टर हैं अमित खन्ना, वो हमें शूट कर रहे हैं। सो इट्स अ प्लेजर ऑलवेज, जब वो एक्शन बोलते हैं तब भी मज़ा आता है, और जब वो प्रिंट शूट करते हैं तो भी बहुत मज़ा आता है। तो आप लोगों को बुलाया, आप कवर कर रहे हैं और हमारा फोटोशूट चल रहा है। मेरा तो आई थिंक प्रमोशन में निकल जाएगा वैलेंटाइन, पर मैं कोशिश करूंगा सेलिब्रेट करने की प्रमोशन के दौरान। आई थिंक बहुत सारे लोग, नए लोगों से मिलने वाला हूँ मैं प्रमोशन करते हुए, जैसे आज आपसे मिला हूँ, आप सबसे मिला हूँ। और मतलब अभी मुझे बदमाशियाँ के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा, सो बस वही मेरी लाइफ उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। 27 फेब को रिलीज़ हो रही है, एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देखें, आपने प्रोमोज देखें, आपने सॉन्ग्स देखें। हमारी फिल्म बहुत फिल्मी भी है, उसमें सब कुछ है, रोमांस है, मस्ती है, सस्पेंस है, बहुत सारी कॉमेडी है। आप जाएंगे अंदर, हंसेंगे बहुत। एंड यूजुअली यू नो एक मल्टीप्लेक्स में आप फिल्म देखते हैं तो यू नो यू पे अ लॉट ऑफ मनी, सो दिस इज एक्चुअली पैसा वसूल फिल्म। अगर आपको नहीं लगा पैसा वसूल है, आप मुझे आके पकड़िए। एंड या दैट्स अबाउट इट, आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड हम बहुत कॉन्फिडेंट है दैट आवर फिल्म विल वर्क, बिकॉज इसमें सब कुछ है। स्क्रिप्ट फॉर मी इज द हीरो एंड आई एम द हीरो फॉर द स्क्रिप्ट, सो जी दैट्स इट। ये मैं सबके सामने नहीं बता सकता, पर आपको अकेले में जरूर बताऊंगा मैं। मैं सच बताऊं, एज एन एक्टर मुझे और कुछ आता नहीं है एक्टिंग के अलावा, तो अपने पे बहुत काम किया है। आज अगर आप एक पैकेज की तरह उतर रहे हैं इंडस्ट्री में तो इट्स गुड फॉर यू। आपको भगवान ने अगर अच्छी शक्ल दे दी है और अच्छी हाइट दे दी है, बाकी सब आपके हाथ में। तो आपको फिजिक पे काम करना पड़ता है, आपको डांस पे काम करना पड़ता है, आपको और भी चीज़ें, अगर आप ब्लेस्ड हैं, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं वो भी हेल्प करती है, हर चीज़ हेल्प करती है एज एन एक्टर। तो आई थिंक मैं एक पैकेज की तरह ही आया हूँ, बहुत मेहनत की है मैंने खुद पे। एंड एक्टिंग तो मैं घर पे भी रोज़ करता ही हूँ, सो चलते फिरते भी करते रहता हूँ। एंड या सो आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी, आई होप इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर। एक्चुअली दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई फील, लोग भी न्यू कमर्स को देख रहे हैं, इंडस्ट्री भी न्यू कमर्स को एक्सेप्ट कर रही है, तो इससे अच्छा टाइम आया नहीं है न्यू कमर्स का। सो आई एम ग्लैड कि यू नो इस टाइम पे हमें इतनी अच्छी फिल्म से लॉन्च मिल रहा है एंड मौका मिल रहा है। सो मैं तो सोता भी ऐसे हूँ फिंगर्स क्रॉस। थैंक यू, थैंक यू। जी, एक्चुअली आज क्या हो रहा है कि हम लोग हमारे एक्टर्स को एक मेकओवर काइंड ऑफ दे रहे हैं। कंप्लीट अलग लुक है जो बदमाशिया में इन लोगों ने नहीं स्पॉट किया है, पर इनके कहीं ना कहीं कैरेक्टर से रिलेटेबल है। आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह से इन लोग सब ड्रेस्ड अप हैं, और वी जस्ट हैविंग अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि हमारी जो पिक्चर का टैगलाइन है फन नेवर एंड्स, एक्चुअली फन नेवर एंड्स बदमाशिया, दैट्स द करेक्ट वे ऑफ पुटिंग इट। तो अभी तो बहुत ही कम दिन रह गए हैं रिलीज को, एंड वी डोंट वांट टू स्टॉप द फन, इसको हमने रोज इंक्रीज ही करना है। तो हम रोज कुछ ना कुछ जरूर करने वाले हैं जब तक हमारी पिक्चर रिलीज नहीं होती, ताकि लोगों को देखकर भी मजा आए और हमें करते हुए भी मजा आए। एंड दैट्स व्हाट बदमाशिया इज ऑल अबाउट। एक्चुअली हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ट्रेलर से, बहुत लोगों ने
हमें मैसेज किया है कि अच्छी पिक्चर लग रही है, फनी लग रही है, फ्रेश लग रही है, जो म्यूज़िक है मूवी का ऑलरेडी बहुत पिकअप कर रहा है, जो शैतानिया सॉन्ग है या थोड़े से हम जो कल लॉन्च हुआ है, जो मिक्का का गाना है जो शाहरुख के ऊपर है, वो भी बहुत कैच कर रहा है नॉर्थन सेक्टर में. वी आर हैप्पी एज फार एज द रिस्पॉन्स हैज बीन. और हाँ, मुझे लगता है कि जब पिक्चर देखेंगे लोग तो वो डेफिनेटली उनको और भी अच्छा लगेगा. प्रोमो से कहीं ज़्यादा अच्छी है पिक्चर. जी 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 फिलहाल अभी तक हमें कोई नोटिस, लीगल नोटिस मिला नहीं है. और ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली 3 स्टेजेस में मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा. पहली बात तो यह है कि हमें कोई लीगल नोटिस मिला नहीं है, हमारी पब्लिसिटी रुकी भी नहीं है अभी तक और चल भी रही है. दूसरी बात यह है कि जो परमिशन है कोरियन मूवी बनाने का, वो परमिशन हमारे पास है. और सोनी ने या MSM ने कहीं पे भी ये क्लेम नहीं कि उनके पास राइट्स है, उन्होंने बोला था कि कलाइडोस्कोप के पास राइट्स है. और जहाँ तक कि हमारे ऑफिशियल ईमेल्स हैं और हमारे पास जो परमिशन आई हैं कोरिया से, उसमें साफ नज़र आता है कि हमारे पास वो राइट्स है. जो मूवी वो बना रहे हैं वो मेरे को लगता है काफ़ी सालों से बन रही है और मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई पिक्चर बन रही है. मैं ज़रूर जानता हूँ कि एक पिक्चर बनाते टाइम लोग बहुत मेहनत करते हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि यू नो समवन लैंडेड अप इन सम काइंड ऑफ एन इश्यू, पर अभी तक हमारे ऊपर कोई भी लीगल नोटिस आया नहीं है. सेकेंडली, जो उनकी कंपनी है उन्होंने कोई भी पब्लिक नोटिफिकेशन दिया नहीं है कि उनके पास कोई भी एक्सक्लूसिव राइट्स है, क्योंकि जब कोई प्रोड्यूसर दे बाय द राइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर फिल्म जो है अब्रॉड की, वो एक पब्लिक नोटिफिकेशन देते हैं. और ये अभी तक हमें कलाइडोस्कोप या MSM से मिला नहीं है, तो आई डोंट रियली थिंक दैट दैट शुड मेक आवर मूवी सफर. अरे यार लाइट बंद कर दो ना, प्लीज यार.